इंडियन अचीवर्स अवार्ड्स. द थॉट वॉज वेरी क्लियर कि भाई जितने अपने NRIs हैं अक्रॉस द ग्लोब रहते हैं, उनको कोई एक प्लेटफॉर्म ऐसा दिया जाए जिसमें उनको हिंदुस्तान में एक प्रॉपर रिकग्निशन मिले. ये सोच डेफिनेटली पूनम जी की थी. मैंने सिर्फ उस प्रोसेस को आगे इनिशिएट किया है और ईश्वर की कृपा से डेफिनेटली ये प्रोग्राम एक अच्छे स्तर पर गया. हमने फंक्शन किया था एंड ऑफ जुलाई में, जो कलर्स पे टेलीवाइज हुआ 17 अगस्त को. रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा और उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में ये प्रोग्राम या ये जो एक हमने एक अवार्ड फंक्शन का एक वर्चस्व उठाया है, ये काफ़ी एक अपने अपने जगह सक्षम रूप से एक बड़े कीर्तिमान की तरफ पहुँचे. दोस्तों दोस्त ईजी आज कुछ भी नहीं है हिंदुस्तान में. मैं ये बोलूँ अगर कुछ चीज़ सिंप्लीफाई हो रही है तो नहीं हो रही है. डेफिनेटली हर चीज़ में मुश्किलें हैं, चाहे वो कुछ छोटे छोटे परमिशन हो. और वेन यू एक मैंने ये कहना कि एक अवार्ड फंक्शन किया हमने, बड़ा सिंपल लगता है बोलने में, लेकिन उसमें जो मुश्किलें हमने फेस की, जो तकलीफ़ें झेली, जो रातें हमने ख़राब की, या हमने कुछ रातें ऐसी भी निकाली जहाँ पे बिल्कुल बेबस लाचार थे कि ये प्रोग्राम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. काफ़ी कुछ मुश्किलें आई, काफ़ी कुछ दौर ऐसे गुजरे जहाँ पे इवन पूनम जी को बीच में लगा कि नहीं भाई, आई थिंक अपने को कहीं एक बार विड्रॉ कर लेना चाहिए. समाओ मैं उस माइंड फ्रेम में नहीं था कि अपने विड्रॉ करना है, क्योंकि हम काफ़ी आगे बढ़ चुके थे प्रोग्राम को लेके. और दैट वाज अ थॉट कि भाई इसको कैसे भी फ्लोर पे लाना है. करीब करीब 10 महीने लगे इस प्रोजेक्ट को फ्लोर पे आने में. मेरे लिए ये बोलना आज बहुत आसान लगता है कि एक प्रोग्राम हमने कर दिया ना, बहुत मुश्किल था. लेकिन आदमी जब तक कोई चीज़ के लिए आगे नहीं बढ़ता तब तक वो सीखता भी नहीं है. जैसे पोइट्री थी जब मैं बच्चा था या मैं जब स्टूडेंट था स्कूल के दिनों में, चींटी के ऊपर एक पोइट्री थी. नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे से 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना उसका खर्चा है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, दैट वाज द टाइटल. बस वही एक थॉट लेके हम भी आगे बढ़े कि चलो कोशिश करनी है. बिल्कुल कोशिश की और सफल हुए. पर्सनली किस तरह का रिस्पांस मिला आपको, जिस दिन कल उस पे टेलीकास्ट हुआ वो दिन कल आपके लिए बहुत बड़ा रिस्पांस हुआ? ज़बरदस्त रिस्पांस रहा. इवन कुछ लोग, भाई मैंने अनफॉर्चुनेटली मैं बॉलीवुड से जुड़ा हुआ आदमी नहीं हूँ, मेरा अपना एक छोटा सा आशियाना है, छोटा सा बिजनेस है. तो उस हिसाब से जिस सर्कल में मैं उठता बैठता हूँ, और जब उनको इस चीज़ का पता चला, इवन दे वर सरप्राइज्ड कि यार हाउ कैन अ मैन फ्रॉम दिस इंडस्ट्री गेट इनटू सम अदर इंडस्ट्री. बट उनका रिस्पांस पॉजिटिव था कि भाई एक अच्छा प्रयास था, एक अच्छी CSR एक्टिविटी थी, और एक फील फैक्टर था कि जो लोग जिनके बारे में खाली हम सुनते भी नहीं, हिंदुस्तान में हमने जिन लोगों को, जिन चेहरों को हमने इनवाइट किया, चाहे वो USA से किया कि UK से किया कि सिंगापुर से किया, UAE से किया, उन चेहरों को अपने देश में कोई जानता भी नहीं था.